अह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन ना होई। जय श्री राम भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम एक भक्त के अनुभव के विषय में आपसे चर्चा करने वाले हैं, कैसे हनुमान जी महाराज ने उस भक्त पर असीम कृपा की और उसको अपने दर्शन हनुमान जी महाराज ने कैसे दिए। तो ये भक्त अपना अनुभव बताते हैं कि मैं बचपन से ही हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाया करता था और प्रसाद चढ़ाया करता था, हनुमान जी को भोग लगाया करता था। बचपन से ही मेरा ऐसा अभ्यास था कि हर मंगलवार को मुझे मंदिर जाना ही है। परंतु कुछ समय से, कुछ दिनों से मैं मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में नहीं जा पा रहा था। इस वजह से मेरे हृदय में बहुत जलन हो रही थी कि क्यों मैं हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पा रहा। ऐसा क्या मुझसे अपराध बन गया कि मैं हनुमान जी के मंदिर में ही नहीं जा पा रहा, इतने कार्यों में व्यस्त हो गया कि बिल्कुल भी समय ही नहीं मिला कि हनुमान जी के मंदिर हो आऊँ। ऐसा क्या अपराध मेरे से हो गया हनुमान जी महाराज से, मन ही मन यह भक्त बोलने लगा। हे हनुमान जी, ऐसा क्या मेरे से अपराध हो गया कि मैं आपके दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा करके मुझसे जो भी अपराध हुआ वह क्षमा कीजिए और अपने दर्शन मुझे दीजिए। इस प्रकार से बहुत जलन उस भक्त के हृदय में हो रही थी और बार बार वह हनुमान जी से यही प्रार्थना कर रहा था कि हे हनुमान जी, जल्द से जल्द मुझे अपने मंदिर में बुला लीजिए, अपने दर्शन दीजिए। कब मुझे ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा कि मैं फिर से आपके मंदिर में आ पाऊँ। इस प्रकार से वह भक्त हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था। और फिर ये भक्त बताते हैं कि एक मंगलवार ऐसा आया जिस दिन मुझे हनुमान जी के मंदिर ना जा पाने की वजह से अत्यंत पीड़ा हुई। कार्यों में उलझने के कारण मैं उस दिन भी हनुमान जी के मंदिर नहीं जा पाया और हनुमान जी के दर्शन नहीं कर पाया। उस दिन अत्यंत पीड़ा का अनुभव मैंने किया और बार बार हनुमान जी से मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि ऐसा क्या अपराध मेरे से बन गया कि मैं चाहकर भी आपके पास आ नहीं पा रहा, आपके दर्शन नहीं कर पा रहा। कृपा करके जो भी अपराध हो उसे क्षमा करें और मुझे अपने दर्शन के लिए जल्द से जल्द अपने पास बुला लीजिए। ऐसा हनुमान जी से बार बार वे अनुनय विनय कर रहे थे। फिर ये भक्त बताते हैं कि उसी मंगलवार के दिन, उसी मंगलवार की रात्रि को जब मैं सोया तो मुझे एक स्वप्न आया और स्वप्न में मैंने पाया कि मैं उसी हनुमान जी के मंदिर में खड़ा हूँ जिस मंदिर में मैं अक्सर जाया करता हूँ हर मंगलवार को, जिस मंदिर में मैं भोग लगाने, प्रसाद चढ़ाने हनुमान जी को जाता हूँ। उसी मंदिर में मैं खड़ा हूँ और हनुमान जी के दर्शन कर रहा हूँ और मैंने हनुमान जी को प्रसाद भी चढ़ाया, हनुमान जी को भोग भी लगाया और अच्छी तरह से हनुमान जी के दर्शन किए। मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मैं प्रकट में ही, मैं सत्य में हनुमान जी के मंदिर में ही खड़ा हूँ और स्वप्न में ऐसा मैंने हनुमान जी के दर्शन किए, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। और जब मैं उठा तो इतनी कृपा का अनुभव मुझे हुआ कि हनुमान जी महाराज किन्हीं कार्यों में व्यस्त होकर मैं अपने कार्यों में, सांसारिक कार्यों में इतना उलझ गया कि हनुमान जी के लिए मैं समय नहीं निकाल पा रहा। तो इतने कृपालु मेरे प्रभु, इतने कृपालु मेरे प्रभु हैं कि उन्होंने स्वयं मुझे अपने पास बुला लिया, स्वप्न में स्वयं मुझे दर्शन दिए। इतनी कृपा का अनुभव मैंने किया कि शब्दों में वर्णन नहीं कर पा रहा। ऐसा इस भक्त का अनुभव था। कितना अद्भुत अनुभव, कितना अद्भुत अनुभव इस भक्त को हुआ और ऐसी तड़प अपने प्रभु से मिलने की कि भले ही सांसारिक कार्यों में फंसे हुए हैं, भले ही मंदिर जाने का समय नहीं मिल रहा, परंतु अपने प्रभु से मिलने की, अपने प्रभु के दर्शन करने की ऐसी तड़प जब होती है तो तत्काल ही प्रभु हमें दर्शन देते हैं। और हनुमान जी महाराज इतने कृपालु हैं, इतनी जल्दी आपकी बात वे सुन लेते हैं कि कुछ कह ही नहीं सकते। हम अपने अनुभव से भी बताते हैं कि हनुमान जी महाराज इतनी कृपा करते हैं जब आपके हृदय में ऐसी तड़प हो जाएगी कि अब हनुमान जी महाराज के दर्शन मुझे करने ही है, तब हनुमान जी महाराज स्वयं आपको दर्शन देते हैं स्वप्न के माध्यम से या जिस प्रकार से भी वे देना चाहें। इतनी कृपा हनुमान जी महाराज करते हैं और अद्भुत अनुभव इस भक्त के, ऐसा अद्भुत भक्त कि प्रभु से मिलने के लिए इतना बेचैन हो जाए, इतनी तड़प, बहुत ही अद्भुत बात है। ऐसे ही हमारे हृदय में भी हनुमान जी से मिलने के लिए तड़प हो जानी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए भगवान श्री राम का नाम जप करते रहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।